seni kapılarında öptüm, solunda öptüm seni. Bahçede çocuklar vardı, çocuğumdan öptüm. Sonunda caddelere çıkardım kaynağından. Evime götürdüm yatağımda kasından. Sonunda caddelere çıkardım kaynağından. Evime götürdüm yatağımda kasından. आसुमान, आजकल तो जल्दी उठ रही हो, जल्दी सो भी जाती हो। ये बहुत हैरान कुन हरकत है वैसे तुम्हारी। दाद देनी पड़ेगी तुम्हें तो। कुछ कहना नहीं है क्या? आपा, मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। देख रही हूँ कि कोशिश कर रही हो। क्लासेस पे भी ध्यान है तुम्हारा, काम के लिए भी देर नहीं करती अब। लेकिन तुम्हारी इतनी गलतियां हैं कि मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती। देखो, हमारे मसले अभी भी अपनी जगह पे ही हैं, कुछ कम नहीं हुए। देखिए आपा, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी सबर वाली नहीं हूँ और ना ही आपकी तरह मेहनती। छोटी छोटी चीजों पर मुझे शुक्र अदा नहीं करना आता। मैं हमेशा बेहतर और ज्यादा चाहती हूँ। क्या करूँ, मेरा मिजाज ही कुछ ऐसा है। आओ। देखो आसुमान, मैं पुरसुकून रहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ। मुझे यकीन नहीं करना कि मेरी बहन एक बुरी इंसान है। शायद मेरी ही गलती है, लेकिन तुमने भी कोई छोटी गलतियां नहीं की हैं जिसे नजरअंदाज कर दिया जाए। तुम वो बच्ची नहीं हो जो क्लास में चीटिंग करती हुई पकड़ी गई हो। तुमने तो लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं, तकलीफ दी है उनको। मैं पहले ही पछतावा रही हूं आपा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी से एक हरकत से इतने सारे मसले खड़े हो जाएंगे। आसुमान, अम्मी ने तुम्हें मेरे हवाले किया है। मैं तुम्हारी माँ बनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ आसुमान। तुम्हारा ख्याल रखा और महफूज रखने की कोशिश की। तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करके मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब सब खत्म, अब तुम बच्ची नहीं हो। लेकिन मैं तुम्हारा और साथ नहीं दे सकती। आप अम्मी की तरह बातें कर रही हैं। सही कहा तुमने। देखो, मैं सालों से तुम्हें एक ही बात समझा रही हूँ, लेकिन तुमने कभी खुद को चेंज नहीं किया। अब सब खत्म हो गया है, तुम्हें बदलना होगा। तुम्हें यकीन करना होगा अपनी बड़ी बहन पे। मेरा यकीन करो, तुम कह सकती हो कि तुम्हारी बहन साथ है। अगर हम एक साथ हो जाएं तो हम सब कुछ हल कर लेंगे। तुम मेरे पास कभी भी आके बात कर सकती हो, मुझसे चीजें शेयर कर सकती हो। ठीक है, आज से हम अपनी जिंदगी को नए तरीके से जिएंगे। खुद को बदलूंगी और मैं हर चीज को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं तुम पे यकीन करूं फिर से? मेरे लिए बदलना आसान है अगर आप मुझ पर भरोसा करें, क्योंकि मेरी बहन का भरोसा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपा, एक बात पूछनी थी मुझे आपसे।
क्या आप कल घर बहुत देर से आई थी? मैंने आपका काफी देर इंतजार किया, फिर मैं सो गई। अगर आपने उनको सच नहीं बताया अभी तक, तो आप उनके साथ कर क्या रही थी रात भर? आसमान, चलो भागो यहाँ से। ठीक है, देर नहीं हो रही काम पे जाने। अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि बहनों का भरोसा एक दूसरे के लिए काफी मायने रखता है, और फतोश को भी ये बात पता होगी ना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर मिलते हैं, मैं काम पर जा रही हूँ। जी फरीद साहब। हेलो नाजली, क्या कर रही हो? मैं टमाटर और मिर्ची इकट्ठा कर रही हूँ यहाँ पे। तुम बाजार में हो क्या? नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के गार्डन से सब्जियाँ लेने आई हूँ यहाँ। ज्यादा लोग हैं क्या? डेनिस है यहाँ, हम साथ ही आए हैं। उसके किचन के लिए कुछ सब्जियाँ लेनी थी, यूनिवर्सिटी की दोस्त के पास आई हूँ। कुछ कहना था क्या आपने? खैर, मैं तुमसे ये पूछने वाला था कि आज रात तुम क्या कर रही हो। चलो ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हेलो फरीद साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, आज कोई और मीटिंग है? नहीं तो ठीक है, मैं गाड़ी सर्विस के लिए लेके जा रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा था। तारिक जी, मेरे पास थिएटर के टिकट रखे हैं, मैं नहीं जा सका, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। असल में वो क्या है कि बहुत अच्छा होगा अगर आप ना जाएं। मजे करो। आपका शुक्रिया, शाम बखैर। मैंने इस बाग का टमाटर खाया, बहुत अच्छा और मजेदार है यार। हम हमेशा बड़े बाजार से खरीदारी किया करते थे, सब कुछ खालिस है कितना। हम यहाँ पे ये वर्ड यूज नहीं करते, मना है। क्यों? वो असल में इसका मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ, यानी वो जाते हैं और यूरिया खरीद कर ले आते हैं और फिर उन पर छिड़कते हैं और कहते हैं खालिस है। आपके नजदीक ये सही है क्या? नहीं यार, यही बात है। हम जानवरों की खाद इस्तेमाल करते हैं, हम केमिकल प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते हैं। हम हर एक चीज को ऑर्गेनिक नहीं कहते, सिर्फ इसी फील्ड के लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं। नाजली भी उनमें से एक है। किसी डिश को अच्छा बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि ये ऑमलेट को देख लो। वाकई बहुत लजीज खाना है ये, मेन्यू में शामिल कर लें इसे भी। हमारी जिंदगी तो रात की है, खूबसूरत जिंदगी। मेरे ख्याल में ये काफी नहीं है, मैं जाकर और अंडे ले आता हूँ। अरे रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारे काम का तरीका बहुत अलग है। चलो, अरे जरूरत नहीं है, आप लोग तकल्लुफ कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, आप लोग आराम से बैठें। कितना खूबसूरत है सब, बाग के टमाटर, मिर्चियाँ और मुर्गी के अंडे, बहुत मजा आया मुझे तो आज। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज बेहतर लग रही हो। कैसी इंसान हो तुम? क्या किया है मैंने? कुछ भी नहीं, शायद तुमने जानबूझ के नहीं किया। तुम ऐसे ही हो, तुम बहुत यूनिक हो, बहुत नेचुरल। बच्चों के साथ बच्चों जैसा बिहेव करते हो और बूढ़ों के साथ बूढ़ा बन जाते हो। तुम्हारी नेचर बहुत डिफरेंट है डेनिस, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। यूनिक हो तुम। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो कैसे सकता है फरीद साहब। जिंदगी,
सरप्राइज से भरी हुई है। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होती। जैसे कल रात लिकोपेन। मेरा मतलब है टमाटर के अंदर एक रंग होता है ये। मेरी तरफ ना देखें, लिकोपेन एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। जब हम टमाटर को पका लेते हैं तो लिकोपेन की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है, जो हमें बीमारियों से बचाती है। अच्छा होता है सेहत के लिए। लेकिन इस मालूमात का हम क्या करेंगे? पता नहीं, लेकिन मेरा बस बताने का दिल किया आपको। बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन है ये। साइंटिस्ट कहते हैं कि हर हफ्ते कुछ नया सीखना सेहत के लिए अच्छा होता है। तुम्हें जरूरत है इसकी, तुम्हारी मेमोरी कमजोर है। तुम्हें तो ये भी याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था। मैं सच कह रही हूँ फरीद साहब, मुझे नहीं याद कल रात क्या हुआ था। मैं जाके उस पे ढक्कन लगाती हूँ, अभी आती हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें विटामिन B12 लेने चाहिए। विटामिन B12 मेमोरी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब समझी कि क्यों याद नहीं रहता मुझे। मैंने कभी ऐसा कुछ खाया नहीं ना, इसलिए। मैंने भी खाना नहीं खाया। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। बस ये जार फिल करके हम बाहर चलते हैं कहीं पे। बाहर जाएंगे किसी हुजूम और शोर वाली जगह पर, माइंड फ्रेश हो जाएगा थोड़ा। आज के लिए इतना काफी है, फिर बस ये जार फिल कर लेती हूँ। शायद हम घर पे ही ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम सबसे अच्छा खाना बनाती हो, ताकि हम कुछ बात कर सके। तो फिर और जार फिल कर लेते हैं, क्या करें। बहुत मजे का खाना बनाया है तुमने। शायद टमाटर के बारे में है, ये ताजा है, आज मैंने डेनिस के साथ जमा किए हैं ये। मजा आ गया खा के। बहुत शुक्रिया आपका। हाय, आज तो हम लोग बहुत ज्यादा थक गए हैं। बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा आज हमारा, हमने मेहनत भी बहुत की इसलिए थक गए। देर हो रही है ना? अगर अभी मैं बिस्तर पर चली जाऊं ना तो बहुत जल्दी सो जाऊंगी। हाँ, तुम बहुत जल्दी सोती हो। उस रात तो तुम मेरे कंधे पे सो गई थी। क्या मतलब कंधे पर? यही तो चाहती हो ना तुम, भूल जाना। मैं जड़ी बूटियों की चाय बनाती हूँ, आप भी चाय पियेंगे? हाँ, फर्क तो नहीं पड़ता अगर उस वजह से सो गए। मैं कॉफी बनाती हूँ फिर। आप ठीक तो हैं? क्या? मेरा मतलब है ये सोफा आपके लिए कंफर्टेबल तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। घर छोटा है मगर अच्छा है, और कलरफुल भी। आपके घर से बहुत मुख्तलिफ है वैसे। तुमसे और कलरफुल हो गया है। ज्यादा गर्म है क्या? हम बैल्कनी में चलते हैं। नाजली, मैं तुमसे सच कहूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे हमेशा सच कहती हो। मैं सुन रही हूँ। दरवाजे पे कोई है। आसमान आ गई, आती हूँ। हाय मेरी प्यारी बहन, बहुत खुशी हुई कि तुम आज टाइम से आ गई। अभी कुछ देर पहले तो मेरी जान लेने पर तुली हुई थी, अब क्या हो गया ये अचानक? चुप करके अंदर चलो। हाँ फरीद साहब, खुशामदीद, आप अभी तक हैं यहाँ? हाँ बस जा रहा हूँ। अरे जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अंदर चली जाती हूँ, आप लोग बातें कीजिए, ठीक है? आसुमान, फरीद साहब ने सुबह जल्दी उठना होता है, उनको काम पे जाना है, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। देर हो गई है और सुबह एक जरूरी मीटिंग भी है मेरी। ठीक है, तो फिर हम सुबह मिलते हैं। अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है। वो विटामिन्स लेना मत भूलना। हाँ जरूर लूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। हाय, आप आज तो आपको बताना ही होगा कि मेरे पीठ पीछे क्या हुआ था। आसुमान, एक खींच के थप्पड़ मारूंगी मैं तुम्हें। आज रात की बात भूल जाओ और इसका जिक्र मैं कभी नहीं सुनना चाहती, समझी? लगता है ये बीमार है यार, बिल्कुल पागलों वाली बातें कर रही है, ज़हनी मरीज़ा।
no lie, you're special. Yes, I no lie, you're on my mind. I like to and harmony. And by the way, if I haven't said it, you're my world, you're my everything. Yeah, yeah, yeah. I no lie, you're the special thing on my mind. Special thing on my mind. I, गुड मॉर्निंग, आपका दिन अच्छा गुजरे। थैंक यू। फरीद साहब ऑफिस चले गए क्या? मैं नहीं गया। आज सुबह तो मीटिंग थी ना आपकी? कैंसिल कर दी मैंने। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक साथ कहीं जा रहे हैं। हम कहीं नहीं जा सकते, आज मुझे बहुत सारा काम है। ओहो, बहुत सारा खाना पकाना है, मैंने तो मुमकिन ही नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आज तुम खाना बनाओ। क्या मतलब? शेफ हजारा मानी का फोन आया था, उन्होंने नया रेस्टोरेंट खोला है। मेरे ख्याल से हमें जरूर जाना चाहिए, नहीं गए तो उन्हें बुरा लगेगा। वाकई? सच में? खैर जो भी है, मैं नहीं जा सकती, मुझे बहुत काम है आज। मैं कुछ नहीं जानता, तुम चल रही हो मेरे साथ। डेनिस की कॉल है। हेलो डेनिस। तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया? मेरा मतलब है वो टमाटर वाला काम। हाँ हाँ कर लिया है। मुझे भी कुछ देना उनमें से। ओके, मैं उससे आमलेट बनाऊंगा। ओके हाँ तैयार है। मैं अभी फरीद साहब के घर आई हुई हूँ, मैं यहाँ पे ले आई हूँ, तुम आकर ले जाओ। नहीं इतनी जल्दी नहीं है, फिर कभी आकर ले जाऊंगा। नहीं अगर तुम करीब हो तो आके फौरन ले। यार इतनी ज्यादा फरमाइशों की आदत नहीं है मुझे। आज का काम कल पे नहीं छोड़ते डेनिस। फरीद साहब इस वक्त घर पे हैं, वो कह रहे हैं कि तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो ठीक है, पहुंचता हूँ थोड़ी देर समय। मिलते हैं फिर। डेनिस आ रहा है टमाटर के जार्स लेने। ये वही है जो तुम उस दिन लेकर आई थी? बहुत लजीज लग रहे हैं, चखना चाहिए। हमने टेस्ट किया, बहुत मजे का है। हाँ क्या बनाया तुम लोगों ने? नाजली की मदद करने के बदले में मुझे इसने पास्ता खिलाया। फरीद साहब कल रात घर पे आ गए थे मेरे, तो उन्होंने ये बनाने में मेरी मदद कर दी थी। मुझे हैरानी हुई जब तुमने फरीद और टमाटर का जिक्र साथ में किया, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मुझे भी हुई लेकिन अब आदत हो गई है। ओ मुझे याद आया कि मुझे तो कहीं पहुंचना है। कहाँ? मुझे जाना है, पता है ना आपको, बाजार जाना है। क्यों? खरीदारी करूंगी आज मैं, कुछ घर पे अचार बनाना है और मुझे फ्रेश सब्जियां लेनी है। अगर कुछ नहीं बचा मेरे लिए तो मैं उदास हो जाऊंगी। मैं चलती हूँ अब। मैं ले चलता हूँ तुम्हें चाहो तो। जरूर, फरीद साहब तो वैसे भी घर पे खाना नहीं खाएंगे, चलते हैं। चलो यार मिलते हैं। फिर मिलते हैं फरीद साहब। मेरे पास है। कौन से बाजार जाना है तुम्हें? हाँ हाँ बाजार की बात कर रहा हूँ, तुम्हें कौन से बाजार जाना है? नहीं डेनिस, मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है। मेरा मतलब है मैं वैसे भी गार्डन से सब्जियाँ लेती हूँ, वैसे भी सब किस्म की सब्जियाँ वहाँ पे मिल जाती हैं आराम से, लगता नहीं मार्केट जाना जरूरी है। ठीक है तो कहाँ चलना है फिर आपको? अच्छा होगा कि अगर हम तुम्हारे बार चलें तो मेन्यू भी डिसाइड कर लेंगे। हम वहाँ मेन्यू देख लेंगे, असल में अभी बार नहीं जा रहा, हमें एक छोटा सा काम करना है। ओ माफ करना डेनिस, मुझे पता नहीं था, मुझे बस साइड में उतार दो, मैं घर चली जाऊंगी। क्या हम एक साथ चलें? कहाँ? देख लेना।
बस मेरे साथ साथ रहना, ठीक है? हाय अल्लाह नाजली, तुम तो इस घर की रानी बनने वाली हो। यार फतोश प्लीज, इस सिचुएशन में फजूल बातें मत किया करो मुझसे, चुप हो जाओ। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज फतोश मेरे साथ आई है मेरी हेल्प करने के लिए। ये मेरी मदद करते हुए कुछ ना कुछ सीख भी लेगी, है ना फतोश? हाँ हाँ फरीद साहब, आज मैं इसके साथ इसलिए आई हूँ ताकि इससे मैं कुछ ना कुछ सीख लूंगी और वो मेरी जॉब में भी काम आएगा ना, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जॉब करती हूँ। ठीक है ठीक है, फतोश और मैं आज बिल्कुल बहनों की तरह काम करेंगे, काम इतना अच्छा होगा आप देखते रह जाएंगे। ठीक है, शायद इससे तुम्हें आसानी हो। मेरी जान नाजली, एक बात तुम्हें आज मुझे सच सच बतानी होगी। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये आदमी तुम्हें तंग कर रहा है? सच बताओ मुझे आज ये बात। अल्लाह अल्लाह, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। तुम्हें कुछ पता होता है? उसने तो परवाह भी नहीं की, चला गया। लगता है कोने में रो रहा होगा।